तकलीफ या किसी जद्दोजहद में भी ना पड़े, तो ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन यू ट्राई टू बिकम लाइक मैन एंड नॉट जो ना एक्सेप्ट एनी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैन, वो काम आप ना करें, ये कैसे हो सकता है? सो आई थिंक द होल आइडिया ऑफ दिस मॉडर्न जो फेमिनिस्ट एक मूवमेंट चली हुई है, ये काफी बोगस है, इसका कोई सर पैर नहीं है। और ऑफन टाइम्स आपको पता है कि जो मॉडर्न फेमिनिज्म है, ये असल में अ लॉट ऑफ देयर व्यूज आर हेविली इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स एथियज्म, टू डार्विनिज्म, टू द जो डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड सो ऑन, विच बाय द वे एक बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि आपको पता है डार्विन खुद ये कहता था कि अमंग्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैटेगरी जो है उसमें मेल्स आर डोमिनेंट देन फीमेल्स। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न फेमिनिस्ट, अगर वो वाकई में अपने आप को डार्विनियन उसके ऊपर लेके जाते हैं, तो टेक्निकली दे शुड एक्सेप्ट एंड रियलाइज कि मेल्स हमसे डोमिनेंट हैं, एंड देन देयरफॉर देयर इज नो पर्पस टू व्हाई वी आर इवन अलाइव। सो पॉइंट इज के वो लोग कभी भी, यानी उनके अपने ही व्यूज बहुत कॉन्ट्रडिक्ट्री हैं। एक तरफ वो फेमिनिस्ट भी है और कहते नहीं औरतों को सपोर्ट करो सपोर्ट करो, दूसरी तरफ वो जो है डार्विन का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली जो है चीज को भी लेके आगे जा रहे हैं, विच डजंट मेक सेंस। दोनों थ्योरीज आपस में साथ आप या तो ये पकड़ो या वो पकड़ो, दोनों को आप साथ नहीं लेके जा सकते। सो दिस इज बेसिकली वेयर द मॉडर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट हैज एक्चुअली लेड अस, वेयर वी फाइंड के इसका कोई बुनियाद नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आप अच्छे और सही तरीकों से औरतों की रिस्पेक्ट देखना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू सी के वुमेन शुड फ्लरिश इन द सोसाइटी, देन द मेन एसेंस ऑफ दैट इज टू look at the Islamic version of how men and women should behave and how men and women have been given different roles in society, different functions, aur unhi functions ke through Allah Taala unko elevate